शेर मौजूद है, देसी चिकन की यखनी मौजूद है और सूप मौजूद है। आ जाएं, यखनी देख सकते हैं आप। और आगे चलते हैं बटेर के लिए। ये बटेर की यखनी है, देखें बहुत ही प्यारा सा सेटअप इनका। अच्छा, आइसक्रीम होती है, ठीक है। कौन कौन से फ्लेवर है ये भी बताते रहेंगे साथ साथ। इसमें 10 किस्म के फ्लेवर होते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर हैं और बिल्कुल डिफरेंट है। क्या इसमें ऐसे की खासियत है? ऐसी खासियत ये है कि इसमें देखें सारे के सारी चीज़ें देखें आप। अगर आप हमारे पास फालूदे में, वैसे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10 किस्म के फ्लेवर हैं तो 10 किस्म के फालूदे आपको नजर आएंगे। अच्छा दोस्तों, ये इनका गोलगप्पे का सेटअप है। स्पेशलिटी तो इनके गोलगप्पे ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जो गोलगप्पे हमारे मशहूर हैं, स्पेशल गोलगप्पे, ठीक है। बाकी स्पेशलिटी बस सिर्फ अभी। अच्छा दोस्तों, ये देखें फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा डिफरेंट किस्म का ये फ्रेंच फ्राइज है। स्पेशल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों आज हम मौजूद हैं मनपसंद फूड वैली पे। तो यहाँ पे आने का खास रीज़न है कि यहाँ पे मिलता है जी बटेर का सूप। तो इसके अंदर तो गोलगप्पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ आएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक। तो आइए मेरे साथ असद कामिल साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ के ऑनर हैं। मजीद हमें डिटेल देंगे। अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं कामिल भाई? और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गोलगप्पे यहाँ के बहुत मशहूर हैं, ठीक है। एड्रेस ये है कि मेन मस्कन चरंगी है, मेन मस्कन चरंगी गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 डिस्को बेकरी से आगे, ठीक है। और ये मनपसंद फूड वैली आप कहीं भी किसी से भी पूछेंगे अल्लाह के हुक्म से कराची में कि गोलगप्पे कहाँ के मशहूर हैं, तो वो आपको बताएगा। मनपसंद फूड वैली गोलगप्पे जहाँ का चले, कहाँ से स्टार्ट है सर? सर आपको हम विंटर स्पेशल अपना दिखाते हैं। सूप हमारा ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास बटेर मौजूद है, देसी चिकन की यखनी मौजूद है और सूप मौजूद है। आ जाएं। अच्छा जी, आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। देसी चिकन की यखनी है, बटेर की यखनी है। अब ये देसी मुर्गी की ये यखनी देख सकते हैं आप। और आगे चलते हैं बटेर के लिए। ये बटेर की यखनी है, देखें बहुत ही प्यारा सेटअप इनका। अच्छा कामिल भी और बताएं और क्या क्या चीज़। और यहाँ पे जो है ना हॉट एंड सॉर सूप मौजूद है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कॉर्न सूप मौजूद है, चिकन कॉर्न सूप, हाँ चिकन कॉर्न सूप है, ठीक है, वो भी दिखाइए। ये हमारा चिल्लर पार्टी का सेटअप है पूरा का पूरा, यहाँ पे सिर्फ हमारे ठंडे आइटम मौजूद हैं। आ जाएं, आपको दिखाते हैं ठंडे आइटम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारे पास आइसक्रीम होती है, ठीक है। कौन कौन से फ्लेवर है ये भी बताते रहेंगे साथ साथ। इसमें 10 किस्म के फ्लेवर होते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। ओरियो है, एक मैंगो है, क्रंच कुल्फा है, पिस्ता है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट है और साथ में सोडा भी मौजूद है। सोडे में भी हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज है। सोडे के अलावा जो है हमारे पास जो है फालूदा होता है। आपने हर जगह फालूदा खाया होगा, देखिए हमारा फालूदा बिल्कुल डिफरेंट है। क्या इसमें ऐसी की खासियत है? ऐसी खासियत ये है कि इसमें देखें सारे के सारी चीज़ें देखें आप। अगर आप हमारे पास फालूदे में, वैसे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10 किस्म के फ्लेवर हैं तो 10 किस्म के फालूदे आपको नज़र आएंगे। आप सही देखें, अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उसके नूडल्स भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बने हैं। और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैं इसी तरीके से अगर कोई कस्टमर मैंगो फालूदा मांगता है तो वो मैंगो फ्लेवर के नूडल्स में। और साथ में जो मिल्क ऐड होगा वो भी फ्लेवर वाला मिल्क ऐड होगा। अच्छा, जो कि पूरा का पूरा जो है फ्लेवर में बनाया जाता है हमारा, यानी पूरा का पूरा स्पेशल हो गया। हाँ, पूरा स्पेशल फालूदा होता है। फालूदा का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और जगहों से। चले आगे मजीद चलते देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये इनका गोलगप्पे का सेटअप है। स्पेशलिटी तो इनके गोलगप्पे ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अलग किस्म के इनका सेटअप है। ये हमारा किचन है पूरा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है माशाल्लाह से हर किसी का सेटअप बड़ा मेंटेन रखा हुआ आपने। यहाँ पे गोलगप्पे बनते हैं, गप्पा राजा बनता है, दही बड़े बनते हैं, चाट बनती है और स्पाइसी पोटैटो भी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा चटपटी पापड़ी वगैरह जो है, सारे जो स्पाइसी आइटम है वो इस सेक्शन में बनाए जाते हैं। ये देखें, ये अभी गोलगप्पे हमारे बन रहे हैं, ठीक है। जो गोलगप्पे हमारे मशहूर हैं, स्पेशल गोलगप्पे, ठीक है। बाकी स्पेशलिटी बस सिर्फ अभी गोलगप्पे हैं? हाँ, हमारी स्पेशलिटी गोलगप्पे हैं, गप्पा राजा है, स्पेशल मीठी पापड़ी पूरी है, सही चटपटी पापड़ी है।
गोलगप्पे मिला करते थे किसी जमाने में जब लोग खाया करते थे। हाँ, गोलगप्पे का नाम सुन के जो है ना एक कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है कि यार गोलगप्पा होगा क्या, कि हल्के हल्के चने होंगे उसमें, दो चार दाने चनों के डले होंगे, साथ में मीठी चटनी होगी। और इसके अलावा हम जब बचपन में खाया करते थे बिल्कुल खाली चटनी होती थी पतली, वो भी खट्टी हो करती। अब ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा डिफरेंट चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इसको, गोलगप्पे को थोड़ा सा हमने एलोडेड किया है। अच्छा। कि गोलगप्पे का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया इंसान के जहन में हमारे पास आके ना, ठीक है, हमने कहा कुछ नई चीज़ आनी चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए, तो इसी वजह से थोड़ा सा लोडेड है। इसके अंदर सैलेड भी आपको मिलेगा, पापड़ी भी मिलेगी, इसके अंदर आलू चने भी मिलेंगे, तीन से चार किस्म की चटनियाँ भी मिलेंगी। जब इतनी चीज़ हम गोलगप्पे में डालते हैं तो गोलगप्पा हैवी हो जाता है, आप एक गोलगप्पे की प्लेट हमारी खाएं अल्लाह के हुक्म से आपका पेट भर जाएगा अगर आपकी नॉर्मल डाइट है। तो टाइमिंग क्या है वैसे? टाइमिंग हमारी सुबह 10 से रात 2 बजे तक की टाइमिंग है। अच्छा, ये पर प्लेट कितने में डील कर रहे हैं इसको? अभी 180 रुपीज़ की प्लेट है गोलगप्पे, 180 जी। अच्छा, अदर्स इसके अलावा क्या क्या चीज़ उसकी क्या रेट है? इसके अलावा हमारे पास मेन्यू तो देखें बहुत बड़ा है, मैं आपको मुँह ज़बानी सुना नहीं सकता। पानी पिला बेटा। अच्छा दोस्तों, ये देखें फ्रेंच फ्राइज, थोड़ा डिफरेंट किस्म का ये फ्रेंच फ्राइज है। चल ये हमारा स्पेशल फ्राइज का सेक्शन है, है, और यहाँ पे जो है ना ये भी देखें ये पिज्जा फ्राइज है, अभी ये हमारे पिज्जा फ्राइज बन रहे हैं। अच्छा, पिज्जा फ्राइज है, ठीक है। पिज्जा फ्राइज में तो एक ही फ्लेवर है बस, स्पाइस फ्राइज में हमारे पास 5 किस्म के फ्राइज होते हैं, फ्लेवर फ्राइज होते हैं, सॉसी फ्राइज होते हैं, और चीज़ी फ्राइज होते हैं, लोडेड फ्राइज होते हैं, पिज्ज़ा फ्राइज होते हैं। चीज़ी फ्राइज कितने का दे रहे हैं? चीज़ी फ्राइज 350 रुपये का दे रहे हैं, उसमें मायो और चीज़ ऐड होता है, और लोडेड प्राइस 450 रुपये का है, जिसके अंदर डायनामाइट सॉस होता है हमारा स्पेशल, और इसके अलावा मेयोनीज होती है और वेजीज होती हैं, चिकन होती है उसके अंदर, जेलेपिनोज होती हैं। ठीक है, साइज यही होगा उसका? जी, साइज़ यही होगा। आराम से पेट भर जाएगा वैसे यार? हाँ, नॉर्मल इंसान का पेट आराम से भर सकता है, अगर किसी की 700 ग्राम हो जाता है। अच्छा, चीज़ वगैरह भी ऐड होती है इसके अंदर। अच्छा, ये चीज़ है दोस्तों, माशाल्लाह स्पेशल किस्म का ये चीज़ है, ये मोज़रेला और चेडर का मिक्सर होता है माशाल्लाह, माशाल्लाह, जो कि चीज़ हम इस पर यूज़ करते हैं। स्पेशल है ये आपके हैं? ये पिज़्ज़ा फ्राइज है, ये चीज़ डाली जा रही है। हाँ, माशाल्लाह से। ये कौन सा चीज़ है, सादा है या? ये चेडर और मोज़रेला का मिक्सर है ये। इसमें मोज़रेला ज़्यादा होती है क्योंकि मोज़रेला से जो है ना शाइट्स बनते हैं, और चेडर से थोड़ा सा जायका होता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर चिकन डलेगी, ऑलिव डलेंगे, जेलेपिनोज डलेंगे, ये चिकन की टॉपिंग हो गई इसके ऊपर, चिकन टॉप कर रहे हैं इसको, ठीक है, और ये ऑलिव्स आ गए इसके ऊपर, ऑलिव्स आ गए, ठीक है। पूरा पिज़्ज़ा बन चुका था तकरीबन, ये पिज़्ज़ा फ्राइज नाम है तो स्पेशल है, स्पेशल बने, स्पेशल है। बहुत अच्छा था वो है, ये वेजेस आ गई, कैप्रिकन्स, ठीक है, माशाल्लाह। ये कौन से स्पाइसेस हैं? ये कोटी मिर्च है, और कोटी मिर्च है, ठीक है, पूरा पिज़्ज़ा बन गया, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो स्मार्ट है, बड़े प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी माइक्रोवेव का ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो माइक्रोवेव में कितनी देर के लिए ये प्रोसेस होगा? कामिल भाई, दो मिनट के लिए प्रोसेस है ये, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, तो स्टे विद अस। ये लोडेड फ्राइज आ गए, अच्छा, ये पिज़्ज़ा फ्राइज आ गए, कंप्लीट हो गए प्रोसेस है, ओवन से निकला है, देखें जैसे अभी कंप्लीट हो गया प्रोसेस।
अच्छे हैं माशाल्लाह से। चलो दे दो, देख सकते हैं ये बटेर है, सेटिंग में नेट पे मैं पहले भी पीछे को, लेकिन मैंने नाश्ते में बात की बीते तो मैं चेक करता हूँ। ये अंडे के साथ है ये, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही डिलीशियस है। आप लोग भी टेस्ट करने के लिए जरूर आइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।